जी माधवन नायर की तमाम सफाइयों के बावजूद प्रत्युष सिन्हा कमेटी ने उन्हें विवादित एंट्रिक्स देवास डील के लिए दोषी ठहरा दिया है। 5 सदस्यों वाली इस उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि माधवन नायर के साथ ही उनके 3 सहयोगी वैज्ञानिकों ए भास्कर नारायण, के आर सिद्धार्थ मूर्ति और के एन शंकर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि एंट्रिक्स देवास डील की जांच के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व सतर्कता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा की अगुवाई में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस पूरे मामले की छानबीन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि इस सौदे में न केवल प्रशासनिक और प्रक्रियागत गलतियां की गई बल्कि सौदे में कई खामियां भी पाई गई। ऐसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस सौदे के लिए देवास कंपनी का चयन किया जाना पारदर्शिता के अभाव को दर्शाता है और इसके लिए जरूरी मंजूरी भी नहीं ली गई। इसरो की शाखा एंट्रिक्स और देवास के बीच हुए इस सौदे पर 28 जुलाई 2005 को हस्ताक्षर किए गए, लेकिन न तो स्पेस कमीशन को इसकी जानकारी दी गई और न ही 27 नवंबर 2005 के उस कैबिनेट नोट में इसे शामिल किया गया जिसमें इस सौदे के तहत G-SAT-6 को लॉन्च करने की मंजूरी मांगी गई थी। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अंतरिक्ष विभाग के लीगल सेल या फिर वित्त मंत्रालय से इस सौदे के लिए मंजूरी भी नहीं ली गई, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा किया जाना जरूरी होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि देवास कंपनी के लिए G-SAT की क्षमता का निर्धारण भी इनसैट कॉरपोरेशन कमेटी से सलाह लिए बिना ही निर्धारित कर दी गई, जबकि नियमों के मुताबिक गैर सरकारी कंपनियों के लिए उपग्रहों की क्षमता का निर्धारण इनसैट कॉरपोरेशन कमेटी करती है। इस तरह से इस मामले में भी सरकारी नीतियों का उल्लंघन किया गया। साफ है कि प्रत्युष सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देश का सम्मान बढ़ाने वाले इन चारों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की परेशानी बढ़ गई है।